रंगदारी के केस का सामना कर रहे पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उप पप्पू यादव ने कहा है कि मेरे खिलाफ गहरी राजनीतिक साजिश रची जा रही है। बढ़ती राजनीतिक ताकत से कुछ लोग परेशान हैं, इसलिए रंगदारी का झूठा आरोप लगाकर FIR दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इस मामले की जांच कराई जाए और सच्चाई सामने लाई जाए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मामले में जो भी दोषी पाया जाए उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बता दें, सोमवार को पूर्णिया के एक फर्नीचर कारोबारी द्वारा 1 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने के आरोप में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ पूर्णिया मुजफ्फर थाने में FIR दर्ज कराई गई है। इस बाबत सोशल मीडिया पर पप्पू यादव ने पोस्ट भी शेयर किया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल X से पप्पू यादव ने लिखा, देश प्रदेश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों के बढ़ते स्नेह से परेशान लोगों ने आज पूर्णिया में घृणित षड्यंत्र रचा है। एक अधिकारी और विरोधियों की साजिश को पूर्ण रूप से बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो दोषी हो उसे फांसी दे दें। गौरतलब है, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इस मामले की जांच की मांग को करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि राजू कुमार को मैं जानता तक नहीं। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव ने अपने वकील से मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के लिए भी कहा है। गौरतलब है, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में नौकरशाहों और डॉक्टरों से कहा था कि जो लोग गरीबों को सताएंगे उन्हें पप्पू यादव का सामना करना पड़ेगा। एक समारोह में उन्होंने कहा था कि नौकरशाह सरकारी दफ्तरों से या तो भ्रष्टाचार खत्म कर दे या फिर परिणाम झेलने के लिए तैयार रहे। उन्होंने डॉक्टरों को भी चेतावनी दी थी कि जांच और दवा के नाम पर गरीबों से वसूली करना बंद करें। उन्होंने कहा था कि अस्पताल और दफ्तर में वो औचक निरीक्षण करेंगे, जो लोग पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब सोमवार को एक फर्नीचर कारोबारी राजू कुमार ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और उनके सहयोगी अमित यादव के खिलाफ रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। इस मामले में पूर्णिया के SP उपेंद्र नाथ वर्मा ने जानकारी दी है। कल एक फर्नीचर व्यवसायी के द्वारा माननीय सांसद पप्पू यादव जी और उनके सहयोगी के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराया गया है और अभी पुलिस FIR दर्ज कर उसमें अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान के उपरांत जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो क्या लग रहा है? जो अभी अनुसंधान में कुछ फैक्ट जो आना है वो फैक्ट के आधार पे तय होगा कि जो आरोप लगाए गए वो सही है या नहीं, और अगर सही है तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी, नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग। आरोप सर किस तरह का लगाया? आरोप रंगदारी मांगने का आरोप है कि 2021 में कई बार बोला गया था, उसके बाद 2023 में भी उस संबंध में गाली गलौज किया गया था, फिर इलेक्शन के पहले भी मांगा गया था और उसके बाद काउंटिंग खत्म होने के उपरांत भी उनके सहयोगी के द्वारा एक फोन किया गया था। तो अभी तक आरोप यही है और उस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कर रहे हैं। सुरक्षा की भी गुहार लगाई है? हाँ, सुरक्षा की भी गुहार लगाई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो नियम संगत सुरक्षा व्यवस्था है वो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोवाइड किया है। सर, ये बताया जा रहा है कि जो सहयोगी है वो BSNL में SDO है। हाँ, आरोप जो FIR के कंटेंट है उसके हिसाब से उसके द्वारा जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा बताया गया है कि जो अमित यादव नाम का जो व्यक्ति है वो BSNL में किसी पोस्ट पे कार्यरत है।